स्टेट से आते हैं यानी जो स्टेट के सीएम का डिटेल निकालना चाहते हैं, आप उनका नाम पर एक बार क्लिक कर दे, तो उनका आपको नाम पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ नाम है हिमाचल प्रदेश है, यहाँ देखा था हिमाचल प्रदेश, उनका सीएम का नाम इधर है, यहाँ आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, इस पर टच। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी हद तक अच्छे होंगे और जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट के सीएम का आप डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप अपने भाषा में कहें तो आप किसी भी स्टेट का यानी इंडिया के किसी भी स्टेट के सीएम के का जो जन्म कुंडली होता है वो सब निकाल सकते हैं। जन्म कुंडली हम किस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनका जन्म से लेकर और जन्म और वो कौन से पार्टी में कब ज्वाइन हुए और उनके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के सीएम का डिटेल निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, और उनका जन्म कब हुआ था, माता पिता जी का नाम, मैंने यानी जन्म कुंडली जो है ना उनके बारे में पूरा जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो को स्किप करके नहीं जाइए, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप निकाल सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा रिक्वेस्ट रहता है हमको और आज भी है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाकर ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, अपने फ़ोन के ब्राउज़र में चले जाना है और टाइप करना है इसमें इंडिया चीफ मिनिस्टर डिटेल। आपको इतना लिखकर आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर में सर्च कर देना है इतना आपको टाइप करके, ठीक है। जैसे टाइप करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ तरह का ओपन होगा और यहाँ जो नीचे आएंगे और फर्स्ट नंबर में लिंक होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनका वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होगा, तो हम इसे ओपन होने देते हैं। कुछ इस तरह का ये वेबसाइट ओपन हो गया इंडिया का, ठीक है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया उस तरह का ओपन हो गया है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो आपको सीएम का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सीएम का लिस्ट मिल जाएगा तो क्या करना है, टोटल जो इंडिया में जितने स्टेट है उनका सीएम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ सीएम के नाम आप नाम पर आपको क्लिक करना है, जो आप जो स्टेट से आते हैं यानी जो स्टेट के सीएम का डिटेल निकालना चाहते हैं आप उनका नाम पर एक बार क्लिक कर दे, तो उनका आपको नाम पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ नाम है हिमाचल प्रदेश है, यहाँ देखा था हिमाचल प्रदेश, उनका सीएम का नाम इधर है, यहाँ आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, इस पर टच कर देना है, ठीक है। जैसे आप टच करेंगे तो को ओके पर क्लिक करना है। चलिए हम दूसरे के दिखा देते हैं किसी और से, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ बिहार ले लेते हैं और बिहार के यहाँ सामने जो सीएम का नाम वाला है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लिख रहा है यू आर बेइंग टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी आपको दूसरे यहाँ जो स्टेट का मारे हैं यानी क्लिक किए उस उनका वेबसाइट पर ले जाने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। चलिए हम इस पर ओके कर देते हैं। जैसे इस पर ओके करेंगे तो यहाँ बिहार का जिस स्टेट का मारेंगे उस स्टेट का ओपन यहाँ हो जाएगा। चलिए आपको नीचे आना है, यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ बिहार के जो सीएम है यहाँ उनका फोटो आ चुका है, और नीचे आएंगे उनका यहाँ पूरा डिटेल आ चुका है यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं कि आपको अच्छा से दिखे, या आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और नीचे आना है, डेस्कटॉप मोड पर आपको क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप साइड पर जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर यहाँ अच्छा दिखेगा डेस्कटॉप मोड में, यहाँ पूरा डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है सीएम का। चलिए हम बारीकी वैसे दिखा देते हैं, यहाँ उनका फादर नेम लिखा हुआ है, फादर नेम, यहाँ मदर का नेम लिखा हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। चलिए और बता देते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ उनका प्लेस ऑफ बर्थ यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो उनका शादी हुआ है कि नहीं, डेट ऑफ मैरिज शादी कब किए थे, यहाँ स्पाउस नेम, चिल्ड्रन उनका जो कितने लड़का या लड़की है बता रहा है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ बीएससी इंजीनियरिंग जो आपको दिखा रहे हैं वो टोटल दिखाएगा।
यहाँ आपको जिस पार्टी में कब ज्वाइन होते हैं पूरा टोटल दिखाएगा, ठीक है। चलिए आप वैसे भी दूसरे का स्टेट का देख सकते हैं। चलिए हम इस पर यहाँ बैक हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं इस पेज पर और यहाँ जो है इसका देखना है।